गुड मॉर्निंग डियर ऑल फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम कैनूला के बारे में हमें एक बार पढ़ा दीजिए, तो आज हमने वही टॉपिक लिया हुआ है, आईवी कैनुलेशन। तो लेट्स स्टार्ट। कोई भी टॉपिक स्टडी करने से पहले हम उसके कंटेंट्स देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, इंडिकेशन, कॉमन साइट्स ऑफ कैनुलेशन, आर्टिकल्स, आईवी कैनुला, साइजेस एंड कलर्स, पार्ट्स ऑफ कैनुला, कॉम्प्लिकेशन, टाइप्स ऑफ कैनुला एंड प्रोसीजर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फ्रेंड्स, हम इंट्रोडक्शन में इसके पढ़ेंगे। ये एक ट्यूब का बना होता है जिसमें एक शार्प नीडल होता है जो हम वेन में, आर्टरी में और अदर बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं। फिर इसका हम डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो इंट्रावेनस आईवी कैनुलेशन इज ए टेक्निक इन विच ए कैनोला इज placed inside a vein to provide venous access. यह हम लोग वेन में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यह एक टेक्निक होता है जिसके हेल्प से हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, ब्लड प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, सैम्पलिंग ले सकते हैं और मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, देन इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं, मींस क्यों हम लोग कैनुला लगाते हैं। तो इसके इंडिकेशंस में इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फ्लूइड हमें लगाना है पेशेंट को, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तब लगाएंगे, मेडिसिन लगाने के लिए यूज़ करेंगे, आईवी कीमोथेरेपी के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, आईवी न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ब्लड सैम्पलिंग, इंट्रावेनस ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स मींस पीआरवीसी के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम इसके कॉमन साइट्स देखेंगे, ठीक है, जिसमें मेन हमने ब्लैक से लिख रखा है, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, मेडियन वेन, ठीक है। फिर आप देख सकते हो, फिर इधर हैंड में, फुट में, रिस्ट में, लेग में, हम लोग जिस जिस साइड पे मेनली लगाते हैं वो साइड्स हमने लिख रखा है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल, इसमें क्या क्या हमें आर्टिकल्स चाहिए होता है। तो स्टराइल ग्लव्स होने चाहिए, कॉटन होने चाहिए या फिर एंटीसेप्टिक वाइप्स होने चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र में हमारे 5 स्टेप्स आते हैं, ठीक है, वो हम अलग एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझा देंगे, ठीक है। फिर आईवी कैनुला होना चाहिए, आईवी कैनुला में हमें देखना है उसका साइज़ अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, पर्पज़ किस लिए हम लोग, पर्पज़ मतलब किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टूनिकेट होना चाहिए, सिरेंज होनी चाहिए, सलाइन होनी चाहिए, रेजर होने चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम कैनुला लगाते हैं तो पेशेंट के हैंड में या फिर फुट में या फिर रिस्ट में बाल होते हैं छोटे छोटे, तो उसको वापस से हमें रिमूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है इसलिए। फिर किडनी ट्रे होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे आईवी कैनुला साइज एंड कलर्स। ये थोड़ा लॉन्ग था तो हमने जो कैनुला जिस कलर का आता है उस कलर में हमने लिख रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये दिक्कत होगी आपको समझने में, ये वाइट है, ठीक है। देन हमने लिख रखा है फर्स्ट गॉज, कितने गॉज का आता है, कलर कोड, ठीक है।
ये एक्सटर्नल डायमीटर लेंथ mm में, फ्लो रेट किस कैनूला से कितना फ्लो रेट जाता है पर मिनट में, और इंडिकेशंस मतलब कौन सा कैनूला किसके लिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ है शोधर गैस का, जिसमें ऑरेंज कलर का वो आता है 2.1 mm, इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है 45 mm, इसका लेंथ होता है, फ्लो रेट 240 ml पर मिनट होता है। ठीक है, इसको हम रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ट्रॉमा में यूज़ करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर 16 नंबर आता है, 17 नंबर आता है, 18 नंबर आता है, 20, 22 नंबर आता है, 24 नंबर आता है, 26 नंबर आता है। ठीक है, जिसमें मेनली सबसे कॉमन होता है पिंक कलर। फिर हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा हमने फिगर ड्रॉ किया है, जिसमें आप देख सकते हो ये नीडल निकला रहता है। ठीक है, इधर नोक साइड में आपने कैनूला अगर हॉस्पिटल में देखा होगा, या फिर किसी पेशेंट को, किसी सिस्टर को लगाते हुए देखा होगा, तो ये फिगर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो फ्रेंड्स। फिर हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे कि कैनूला लगाने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जिसमें हमने मेनली लिख रखा है। ठीक है, हेमेटोमा फॉर्मेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, इम्बोलिज्म, इम्बोलिज्म में पल्मोनरी इम्बोलिज्म होता है, एयर एम्बोलिज्म होता है। ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस, ये सब कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं कैनूला से। ठीक है, फिर हमने इधर लिख रखा है टाइप्स ऑफ कैनूला, जिसमें आप देख सकते हो ढेर सारे टाइप्स हैं इसके। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेनली आईवी कैनूला जो होता है, उसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है पेरिफेरल आईवी कैनूला, सेकेंड है सेंट्रल लाइन आईवी कैनूला, थर्ड है माइल्ड लाइन आईवी कैनूला। ठीक है, फिर इसका जो प्रोसीजर होता है, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि पेशेंट लगवाएगा नहीं लगवाएगा, तो उससे पहले हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, उसको बताना पड़ता है कि क्यों हम लगा रहे हैं, क्या इसका नीड है आपके लिए, उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, और लगाने से पहले हैंड वॉशिंग और वियर ग्लव्स, मतलब सारा प्रिपरेशन करने के बाद फिर हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर्स हमने लिख रखे हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी क्लियर दिख रहा होगा। ओके थैंक्स फ्रेंड्स, आप चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।